सेंटर में लो। अरे स्टील वाले वहाँ खड़े होंगे तो हम क्या लेंगे? टीवी ओपन है। कैसा भाई, मेरे को फोर रेड एक्सपोजर है, फोर रेड जा रहे थे। वही बता रहा तेरे को, चलो एक बार वीडियो के लिए रिपोर्ट बोल रहा हूँ। लाला लाइटिंग बोले, चलो हो गया भाई वीडियो के लिए दो, थोड़ा हो गया ना भाई, दो तीन दिन तुम्हारा हो गया क्या? इतना क्या फिल्म मोबाइल आ गया, ये लोग नाम लिख के रखा है। इसका पेट नहीं भरेगा। अरे इनको बस को चेक है, दो मिनट दादा, अरे पोस्टर पे जाके देना बंद कर राइट। चलो हो गया यार, चलो भी ज़्यादा लेगा तो पैसा लगेगा। हाँ बुरा हो गया, देखो बॉल के सुनाई दे रहे। चलो बाइट लो, बाइट लो। कुर्सी लगी बैठा तो कहाँ गया भाई? कौन है यार फ्रेम के अंदर आ रहा, भाग रहा है? क्या खाएंगे? अरे घूम गिर जाएंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री। चलो ठीक बैठिए, भाई अभी क्या रोल है मैडम आपको? चलो रोलिंग। दो
though you have so many fans, you know, चाहते होंगे कि आप बस क्या हो गया आराम से साइलेंस चलो रोलिंग थैंक यू भाई अरे क्या कर रहे हो और आपके इस ऐप में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा क्या क्या आपके कौन कौन से अंदाज हमें देखने को मिलेंगे जी सबसे पहले आप सबका धन्यवाद आप सभी यहाँ पे आए पधारे ये ऐप का रिक्वेस्ट जो है पिछले दो सालों से मेरे पास था कि आप आइए अपना एक ऐप क्रिएट करिए और आपके जो फैंस हैं उनसे और करीबी होने का मौका एक ऐप के ज़रिए होता है ऑफ कोर्स बट आई फेल्ट कि एक करेक्ट टाइम होता है जब आप एक बिकॉज आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में करना तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अच्छे से करें देर इज़ नो पॉइंट कि एक मैं ऐप क्रिएट कर लूँ उसके बाद आई एम नॉट एबल टू यू नो गिव एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट टू माई फैंस हम जो भी हम सारे एक्टर्स इंक्लूडिंग लाइक मी एज़ वेल हम जो भी होते हैं सब अपने फैंस की वजह से होते हैं तो अगर ये ऐप मैंने बनाया है तो ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट दिया जाए वो एक और करीबी तरीके से और पास में आ जाएं और दे गेट टू सी द स्नीक पीक ऑफ माई लाइफ उर्वशी हमने देखा है इंडिया में इस तरह से कई सारे एक्टर ने लॉन्च किया लेकिन वो उस तरह से अपने ऐप को मेंटेन नहीं कर पाते तो इस बात का कुछ प्रेशर है आपको या फिर आप मतलब किस तरह से आपकी ये जिम्मेदारी अब आप संभालने वाली है इसे जी नहीं कोई प्रेशर नहीं है आई मीन फैंस के साथ आई थिंक जितना आप रियल होते हैं रियल द मोर नेचुरल यू आर आई थिंक दैट्स बेस्ट अभी इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको जो आइकॉन दिखेगा तो वो स्पेशली मैंने क्रिएट किया है आई मीन ब्लैक एंड वाइट आर माई फेवरेट कलर्स आई केप्ट इट वेरी बेसिक वेरी सिंपल उसमें जो मैंने फोटोग्राफ नहीं डाला है उसमें आई जस्ट केप्ट इट वेरी स्टाइलिश बाई कीपिंग यू एंड आर लाइक यू उर्वशी आर राउटेला विद अ क्राउन ऑन इट तो दैट इज़ वॉट माई सिग्नेचर इज़ और आई एम रियली हैप्पी विद द वे ये ऐप निकल के आई है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है काफ़ी स्टाइलिश लग रही है और जैसे ही आप उस आइकॉन को प्रेस करेंगे उसके बाद जो पूरा नेम आता है तो उसमें एक ब्यूटिफुल तरीके से वी हैव क्रिएटेड दिस गर्ल स्टैंडिंग एंड इन प्लेस ऑफ आई सो काफ़ी सारे मेरे इनपुट्स हैं ऐप में आई जस्ट वॉन्ट माई फैंस और सारे के सारे जो भी फैंस हैं वो जो मेरा रियल सेल्फ है वो देखें और मेरी लाइक आई जस्ट वांट टू से दैट वेलकम टू माय पर्सनल वर्ल्ड फैंस की बात करना चाहूँगा कि फैंस का क्या फीडबैक मिल रहा है क्योंकि मॉर्निंग से हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं फैंस का अगर कुछ फीडबैक अगर आप शेयर करना चाहें या फैंस का फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज वी स्टार्टेड काउंटडाउन 5 दिन पहले सो वी वर लाइक कॉन्स्टेंटली लाइक पोस्टिंग ऑन ऑल लाइक फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम कि अभी 5 दिन के बाद सम सरप्राइज इज गोना कम तो फैंस वर लाइक रियली क्यूरियस कि आज आखिरकार 5 दिन के बाद क्या होने वाला है सो फाइनली दे गेट टू नो दैट आई हैव दिस माई ओन ऑफिशियल ऐप एंड दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एज एक्साइटेड एज आई एम हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों का आप इंस्पिरेशनल कोर्स वगैरह देंगे अपनी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बताएंगे उन्हें ताकि यू नो जो लोग आपकी तरह मिस इंडिया या फिर मिस डिवा के लिए जाना चाहेंगे उनके लिए कुछ सी तो टू ऑल द गर्ल्स हु वांट्स टू जिनको मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड एक खिताब जीतना है तो इतना आसान नहीं होता है जैसे एक ओलंपिक्स में खिलाड़ी अपनी तैयारी के साथ जाता है उसी तरीके से मिस यूनिवर्स पैजेंट भी उसी के लिए माना जाता है आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है और इतना आसान नहीं होता है और एक तरीके से खून पसीने बहाने पड़ते हैं इट्स नॉट दैट ईजी बेसिकली द गर्ल्स हूसोएवर जो भी मेरी इंस्पिरेशंस रही हैं ऐश्वर्या राय बच्चन और प्रियंका चोपड़ा और लाइक दे ऑल हैव बीन ब्यूटी क्वींस और आप उन्हीं को देख करके आप पहचान सकते हैं लाइक इंक्लूडिंग सुष्मिता सेन एंड लारा दत्ता एज़ वेल कि वो कितना ज़्यादा कितनी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी ही नहीं बट उनका ऑल ओवर एक ऑरा ही अलग होता है सो आई जस्ट वांट टू से कि ये कुछ ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन करनी होती है इतना आसान नहीं होता है बट इफ़ आई कैन डू इट एनीबडी कैन डू इट
जी दो साल लग गए मुझे ये सोचने में कि मुझे फाइनली आ जाना चाहिए ऐप में. जस्ट फॉर द पर्सनल टच, एक तो मुझे इतने सारे फैंस होते हैं तो पता नहीं रहता है कि मेरा नंबर वन फ़ैन कौन है. तो वो ऐप के थ्रू मैं जान सकती हूँ कि हु इज़ माई नंबर वन फ़ैन. और साथ ही साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट भी होंगे ऐप में कि जो भी नंबर वन फ़ैन बनेगा उसको एक सुनहरा मौका मिलेगा टू पार्टी विद मी और टू ट्रैवल आउटसाइड अब्रॉड एंड लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव अदर मर्चेंडाइज. और सो या आई मीन वो सब स्पेशल चीज़ें फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में नहीं मिलती है. आई थिंक हमको आई थिंक एवरी सेलिब्रिटी एवरी एक्टर शुड हैव देयर ओन ऐप. और आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ बिकॉज मेरे फैंस जो भी वो ऐप ज्वाइन करेंगे आई थिंक दे वॉन्ट टू सी रियल मी. सो या आई मीन जो भी उसमें इनपुट्स डाले हैं या फिर जो भी एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट हम डालने मैं डालने वाली हूँ स्पेशली तो वो आई नो दैट माई फैन बेस इज़ लाइक बिट यंगर एंड मेरी उम्र का है और मेरे से यंगर है एंड लाइक 18 टू 24 बॉयज स्पेशली. सो तो आई नो लाइक वट काइंड ऑफ लाइक यू नो दे रियली वॉन्ट अ सी लाइक वट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल आई हैव एंड वट ऑल काइंड ऑफ वर्कआउट्स आई डू वट ऑल काइंड ऑफ डाइट्स आई फॉलो और जो भी मेरे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो सब वो जानना चाहते हैं. सो आई फील कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या देखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से ये सोच समझ के बनाया गया है. एवरी सिंगल थिंग आई लव फैशन आई लव आई एम गोना गिव ऑल माई टिप्स रिलेटेड टू फैशन चाहे फिटनेस रिलेटेड हो न्यूट्रिशन रिलेटेड हो एंड एवरी सिंगल थिंग. ओके क्या उर्वशी आप प्रोफेशनल फ्रंट पे भी जो चीज़ें होंगी वो अपने ऐप पे आप अपडेट करेंगे? हाँ सॉरी जो प्रोफेशनली हो रहा है ना यू आर साइनिंग सम फिल्म और यू कमिंग विद सम एल्बम सब कुछ ऐप में आना आएगा और मैं खुद ही पोस्ट करूंगी. सो या जस्ट लॉग ऑन टू माय ऐप. तो मतलब मीडिया को भी ऐप फॉलो करना पड़ेगा आपका? मीडिया को भी ऐप फॉलो करना पड़ेगा. नहीं बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक फेयरनेस क्रीम्स आज से नहीं कई सालों पुरानी चीज़ें हैं और जो कब से होती आ रही हैं और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है. जो चाहता है यूज़ करना वो कर रहे हैं कभी कितने सालों से और जो नहीं चाहता तो वो नहीं करते हैं. वो तो नेपोटिज्म हर जगह ही होता है ऑफ कोर्स वो सभी जानते हैं. और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लाइक जिनको मैं इंस्पिरेशंस मानती हूँ प्रियंका चोपड़ा हो चाहे दीपिका हो वो भी बाहर से आई हैं. बट लाइक यू हैव टू फाइट योर वे आउट दैट्स व्हाट आई वांट टू से यू हैव टू फाइट योर वे आउट. ओके रिसेंटली एक बहुत बड़े अवार्ड फंक्शन में कंगना का मजाक उड़ाया गया नेपोटिज्म को लेके. वो कितना जस्टिफाई समझते हैं? लेट हर आंसर. हर कोट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर कोट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट शी थिंक्स शी इज वन ऑफ द लीडिंग स्टार इन द इंडस्ट्री एंड शी केम आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री अबाउट कंगना. यस एट आईफा. मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या मजाक उड़ाया गया. आई थिंक वो गलत बात है ऐसे. बट आई थिंक वो मजाक सीरियस नहीं होता है बिकॉज इट्स जस्ट फॉर अवार्ड फंक्शंस एंड हर कोई अपने इट्स जस्ट फॉर लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. जी हाँ आ रहे हैं बट मैं अभी बात नहीं कर सकती. किस तरह का होगा आप हमें गाइस लास्ट क्वेश्चन हम रोमांस करते हुए देखेंगे या एक्शन क्योंकि आपके फैंस बहुत ही एक्साइटेड होते हैं इस अंदाज में हम उर्वशी जी को देखेंगे तो कुछ अगर बताना चाहेंगे किस अंदाज में आप हमें स्क्रीन पे दिखाई आप मुझे सभी अंदाज में देखेंगे स्क्रीन में. उर्वशी इसके अलावा हेट स्टोरी 4 भी आ रही है ऐसा सुनने में आ रहा है तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? कितनी शूटिंग स्टार्ट हुई है यार कहाँ तक पहुँचे कुछ बताना चाहेंगे फैंस को?
हेट स्टोरी 4 के बारे में आप डायरेक्टर्स से ही पूछे, फिल्म मेकर से। अच्छा उर्वशी, क्योंकि एक आखिरी सवाल, आई थिंक क्योंकि आप मिस इंडिया से आती हैं तो हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारी बायोपिक बन रही है, तो अगर आपको कहा जाए कि सुष्मिता एंड ऐश्वर्या जी की ऐसी कोई बायोपिक करने की, आप ऐसे आपकी तरफ कोई ऐसी इच्छा रखती कि उनकी बायोपिक, ओ ब्यूरिक क्वीन पे बायोपिक? ऑफ कोर्स, आई मीन बट आई डोंट थिंक सो। जो शुश और ऐश हैं वो लाइक सुष्मिता मैम और ऐश्वर्या मैम वो खुद चाहते होंगे कि उनकी अभी इस पॉइंट पे बायोपिक बने। आई डोंट थिंक सो वो अभी चाहती होंगे। मे बी लेटर इन लाइफ दे वुड वांट कि उनकी एक बायोपिक बने, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली, अभी तो यंग हैं। ठीक है, थैंक यू। Really good to see you, Rashika. Oh, really good to see you too. What motivated you to come with this app? Actually, this is something which have been cultivating on my mind since past 2 years. And iska offer pehle hi aa gaya tha, but I was like, to be honest, I can't cheat my fans. So I think this is the perfect time that I'm launching my own app. And launching an app is easy process, but uske baad jo follow karta, that's what the real process is. So yes, it's a great, I think, initiative for me to know ki who really or actually my real fan is. Yani itne, aur uske alawa usme contest bhi hai koi aapke saath, you know, yes, ka apne zikr kiya apne contest ke duran, wo kiska idea tha aur aapko lagta hai aap itna waqt nikal payenge? Ji, waqt to ab jo bhi hai fans ki wajah se hai, aur fans ke liye waqt to nikalna hi padega, because abhi ye decision liya hai to obviously we have to do it. और जी हाँ, काफ़ी सारे एक्साइटिंग चीज़ें हैं इस ऐप में, तो उसी के लिए ज़रूरी है आप डाउनलोड करिए ऐप। कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, ये वर्किंग ऑन अ फिल्म, और कई बार बोला जाता है कि ना आप ये इसकी पिक्चर बाहर मत निकालिए, बड़ा यू नो स्टूडियो को भी बड़ा घेर के रखा जाता है, मोबाइल भी यूज़ करे जाते हैं, वहाँ पर कैसे मैनेज? जी वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी मूवी सेट्स के को का ही बिहाइंड द सीन्स बताऊँ। मैं आई एम लाइक मोर पर्सनल, आई कैन शो माई हाउस, आई कैन शो माई पेट एनिमल्स और लाइक माई पर्सनल लाइफ। ओके, वॉट other thing is there in the pipeline? वो सभी जानने के लिए ज्वाइन करिए मेरा ऐप। ओके उर्वशी, नेपोटिज्म को लेकर बहुत कुछ चल रहा है आज की तारीख में, मैंने आपसे पहले भी पूछा, आप खुद एक आउटसाइडर हैं जिसने अपना मकाम खुद बनाया अपनी मेहनत के बल पर, आपका क्या नज़रिया है नेपोटिज्म? जी आई एम लाइक, इट्स लाइक हर कोई मुझे से यही सवाल पूछ रहा है। आई मीन नेपोटिज्म एग्जिस्ट एवरीवेयर, और इट्स जस्ट लाइक जो मेरे इंस्पिरेशंस रहे हैं प्रियंका, दीपिका, आई मीन वो भी बाहर से आए हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सो आई मीन इट डज एग्जिस्ट एवरीवेयर, यू हैव टू फाइट योर ओन वे। अभी हाल ही में एक यू नो आईफा के दौरान जिस तरह से कंगना का मजाक उड़ाया, ओह गॉड आई वाज नॉट देयर, एवरीबॉडी इज आस्किंग मी, या यू नो इट इज लिटिल, आई थिंक दैट वाज नॉट सेड टू सीरियसली, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट, हमको जो दिया जाता है हमको वो बोलना होता है, तो इट वॉज लाइक पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। सो आई थिंक वो उन लोगों ने भी सीरियसली नहीं लिया होगा और ऐसे इनएक्ट करके सीन में बोल दिया होगा। ओके, हाल ही में कोई ट्रेलर या टीजर आपको अच्छा लगा? हाल ही में कोई ट्रेलर और टीजर अच्छा लगा हो? हैरी मेट सेजल एंड नॉट अनदर वन आल्सो। हां, हैरी मेट सेजल इज नाइस, रियली नाइस, काफ़ी अच्छा है। आई एम जस्ट लाइक वेटिंग फॉर द रिलीज। मॉम बहुत अच्छी लगी मुझे, आई थिंक श्रीदेवी मैम इज़ लाइक माई फेवरेट एक्ट्रेस एंड बहुत कमाल का काम किया है। थैंक यू सो मच। Thank you.